नमस्कार, ई अंदर के बाद बा आपके बहुत स्वागत बा। भोजपुरी जगत की सबसे महंगी फिल्म निरहुआ चलल लंदन बीते 15 फरवरी के दिन रिलीज भ रही। दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ई फिल्म लगभग 4 करोड़ के लागत में बनाई गई बा। ऐसे में ई जानब बेहद जरूरी बा कि कमाई के मामले में निरहुआ चलल लंदन आखिर कहां तक पहुंची। सबसे पहले आपके बता दें कि ई फिल्म यूपी, बिहार, गुजरात और नेपाल में रिलीज भइल बा। सिंगल थिएटर में फिल्म देखे बिता रोजाना ही एक बड़ी संख्या में भीड़ जुटता। जानकारी के मुताबिक बीतल शुक्रवार के दिन रिलीज भइल निरहुआ चलल लंदन फिल्म अब तक 70 लाख रुपये तक के कारोबार कर चुकी बा, जबकि ये फिल्म के रिलीज होकर आज पूरे 6 दिन होगी बा। कमाई के मामले में तो ये फिल्म फायदे में ही जाए वाली बा, कारण दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की बेहद खूबसूरत जोड़ी। ये फिल्म में आप देखे वाला है निरहुआ के देसी स्टाइल विदेश में कैसे कमाल करता। लंदन की धरती पर आम्रपाली निरहुआ के साथ चोए चोए भी तो करते हैं। मुंबई, नेपाल और लंदन फिल्म में ई फिल्म की शूटिंग भल बा, यही वजह बा कि फिल्म के बजट बढ़ गई। दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ चलल लंदन बॉलीवुड फिल्म के ई मामले में भी टक्कर देता। पिछले हफ्ते बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर रणबीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय रिलीज भल रही। ऐसे में निरहुआ चलल लंदन गली बॉय फिल्म के टक्कर देता। हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बात ना करतानी, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो निरहुआ चलल लंदन गली बॉय फिल्म के छू भी ना ही सकत, पर दर्शकों की भीड़ के मामले में जरूर टक्कर देता। जैसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में गली बॉय देखे विद्या सीट जौन बा पूरी एकदम खचाखच भरी बा, ठीक उही तरह निरहुआ चलल लंदन के लिए भी भोजपुरी थिएटर में दर्शकन की भीड़ खचाखच भरी हुई बा। तो ई रही निरहुआ चलल लंदन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट आपके पसंद आयल बा तो आप हमारे साई के चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कह चाहत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखत रहें हिंदी राशि।